हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही रिफ्रेश ड्रिंक, जो गर्मियों में आपको रिफ्रेश कर देगी, वो ड्रिंक बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए, इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 चम्मच के करीब सौंफ ले ली है। ये देखिए चीनी, वैसे मैंने 3 चम्मच ली है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को घटा बढ़ा सकते हैं। 5 से 6 छोटी इलायची ली है, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, ये देखिए 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, 8 से 10 काली मिर्च मैंने ले ली है। ये सारी चीज़ें हमें ब्लेंडर में डाल के एक जो है फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने थोड़ा सा मिंट पाउडर भी लिया है, इसी में मैं ये भी डाल दूँगी और पीस लूँगी। आप चाहें तो फ्रेश मिंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमें फाइन पाउडर बनाना है। मैं मिक्सी में इसको पीस लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। फ्रेंड ये देखिए, हमने फाइन पाउडर इसका बना लिया है, ये देखिए। अब हम इसको एक छन्नी में रख के इसको छान लेंगे, ताकि इसके मोटे जो पार्टिकल्स हैं वो छन्नी में रह जाए, बारीक पार्टिकल निकल जाए, और जो मोटे बचते हैं हम इनको दोबारा से यही ब्लेंडर में डाल के वही प्रोसेस फिर से करेंगे, उसको पीस लेंगे। तो ऐसे हम इसे छान लेते हैं अच्छे से। मोटा जो है हिस्सा है वो छन्नी में रह जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये सारा छान लिया, ये मोटे टुकड़े रह गए, तो इनको हम फिर से दोबारा मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। एक बार फिर से हम मिक्सी को चला देंगे, ताकि जो भी ये टुकड़े हैं ये सारे अच्छे से बारीक हो जाएं। तो फ्रेंड, अब हम ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में हम आइस क्यूब डालेंगे। ये देखिए मैंने 2 आइस क्यूब डाल दिया है, और इसमें हम ये 2 चम्मच के करीब ये जो हमने पाउडर बनाया था सौंफ का, उसको डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने पाउडर डाल दिया है, और ये देखिए ठंडा पानी हम इसमें पोर कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है, और हमें एक ये नींबू का टुकड़ा लेना है। ये देखिए मैंने नींबू को गोल स्लाइस ऐसे काट दिया है, इसको सजाने के लिए इसके बीज हटा दिए हैं, इसको यहाँ ग्लास में सजा लेंगे। और ये देखिए, तो हमने ये, तो फ्रेंड ये देखिए हमारा सौंफ का शरबत बनके तैयार है। आप ट्राई ज़रूर करिए, ये गर्मी के मौसम में बहुत ठंडक देता है, लू से बचाता है, और बहुत ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों को भी आप स्कूल से आने के बाद इस तरह शरबत बना के दीजिए, उनको बहुत रिफ़्रेश महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी शरबत की पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।